Hello student, welcome to Mother Swagata College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start miscellaneous exercise of sentence. Now we start sentence. जैसे कि बच्चों आपने देखा है कि हम parts of sentence के बारे में पढ़ चुके हैं, predicate part और सब्जेक्ट के पार्ट. आज हम उसी से संबंधित मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको देंगे, जिनमें से जो मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो रिओर्डरिंग के नाम से है. जैसे कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हैड डन सिस्टर वर्क नॉट हर माइंड. आप जानते हैं मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हमने बताया था SVOC के नाम से, इस पूरे सेंटेंस को जानते हैं, जिनमें से S का मतलब आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है और S को हम डिनोट करते हैं दाना से. ये शॉर्ट कट में हमें मैंने बताया था कि दाना से डिनोट करते हैं, जिनमें से D का मतलब होता है डिटर्मिनर, A का मतलब होता है एडजेक्टिव, N का मतलब होता है नाउन और A का मतलब होता है एडजेक्टिव फ्रेम. अब हम सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट कम से कम एक हो सकता है या मैक्सिमम चार हो सकते हैं. तो इनमें से हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में एक तो ये रखा हुआ माई रखा हुआ है, ठीक है. तो ये दोनों चीजें हमारी डिटरमिनेंट के रूप में, लेकिन हम दोनों को तो रखेंगे नहीं, इनमें से एक को रखेंगे. इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, अब इसलिए क्योंकि माई पहले लिखेंगे माई, और फिर ये आपका माई डिटरमिनेंट हो गया. माई सिस्टर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हर क्योंकि ये सिस्टर फेमिनिन जेंडर है. फेमिनिन जेंडर के लिए जो पजेसिव केस लगता है वो क्या लगता है, हर लगता है. इसलिए यहाँ पे हम माई डिटरमिनेंट के रूप में लेंगे और सिस्टर नाउन के रूप में लेंगे. ये इस प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा. सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था वीओसी. वी का मतलब वर्ब होता है. वर्ब की दो फंक्शन बताई गई थी, जिनमें से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो इसमें से आप देखते हैं कि यहाँ पे हैड आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हैड. हैड के बाद चूंकि पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए हैड के साथ में मेन वर्ब मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो या तो आईएनजी के फॉर्म पे होगी या फिर वी3 के फॉर्म पे होगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब वी3 के फॉर्म पे है, इसलिए यहाँ पे माई सिस्टर हैड डन लिखेंगे. फिर इसके बाद में डन फिर आएगा हर, सॉरी नॉट ये है, इसलिए निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे नॉट लगाएंगे और फिर डन लगाएंगे हर वर्ग. इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है कि माई सिस्टर हैड नॉट डन हर वर्ग, मेरी बहन ने अपना काम नहीं किया था. इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे. कुड द स्लीप होल्ड नॉट यस्टरडे मैन. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुड द स्लीप ओल्ड मैन नॉट यस्टरडे, इसका मतलब यह है कि पास्ट का है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द दिया हुआ है, डिटरमिनेंट में द होता है, तो द पहले लिखेंगे द, फिर उसके बाद एडजेक्टिव होता है तो द ओल्ड मैन हो जाएगा द ओल्ड मैन. फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कुड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब आएगी द ओल्ड मैन कुड नॉट स्लीप यस्टरडे. क्या बचा, यस्टरडे. ये इस तरीके से बेटा ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, द ओल्ड मैन कुड नॉट स्लीप यस्टरडे. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन और फ्रेंड्स माई. अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो डिटरमिनर है वो माई दिया है और तो इस तरीके से हम लिखेंगे माई ऑल फ्रेंड्स. माई ऑल फ्रेंड्स के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब लिखेंगे वर्ब, फिर वर्ब आएगी प्रेजेंट इन द
फंक्शन, इन द फंक्शन, फंक्शन। तो बच्चों इस तरीके से माई ऑल फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन, इस तरीके से हम रीऑर्डरिंग को पूरा करेंगे। इसी के आगे मैंने और भी सेंटेंस दिए हैं, सभी बच्चे आगे की पूरी एक्सरसाइज को इसी प्रकार से हल करेंगे और बार बार वीडियो देख करके आप इस फिर से याद कर लीजिए और अच्छे से एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। थैंक यू।